गुड मॉर्निंग एवरी वन सो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर एट से लेके आगे के क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रॉब्लम सेट फर्स्ट इन प्रीवियस वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर सेवन तक किया था सो लेट्स क्वेश्चन नंबर एट राइट द कॉनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कॉनवास लिखना मतलब क्या करना है देखिए मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ देन आपको समझ में आएगा इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स इन द फिगर इज़ वन एट्टी डिग्री दैन द फिगर इज़ अ ट्राइंगल सो देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट है इसमें दो अलग अलग सेंटेंस है देखिए फर्स्ट सेंटेंस है द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल इन अ फिगर इज़ वन एटी डिग्री इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट करेक्ट ना इसके बाद जो आने वाला पार्ट है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं देन के बाद आ रहा है द फिगर इज अ ट्राइंगल ये सेकेंड सेंटेंस है इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट तो ये जो सेंटेंस है दोनों इनको इंटरचेंज करना है मतलब जो हमने देन के बाद लिखा है उसको इफ़ के बाद लिखना है और इफ़ के बाद जो है उसको देन के बाद लिखना है ठीक है यही करना है इसी को बोलते हैं कॉन्वर्स ठीक है converse, मतलब हम लिखेंगे अब देखिए इफ़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल इज इन फिगर इज़ वन एट्टी डिग्री करेक्ट ना तो ये देन के बाद आने वाला पार्ट है सो so, पहले कौन सा आएगा अ फिगर इज अ ट्राइंगल मतलब इफ अ फिगर इज अ ट्राइंगल आएगा देन सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स एंगल इज 180 डिग्री ओके okay? यही आने वाला है तो आंसर कर लेते इसी को बोलेंगे कॉन्वर्स सो so, लेट्स लिख देते हैं क्या लिखेंगे इफ जस्ट क्या करना है इंटरचेज कर लेना है अभी जो सेकंड सेंटेंस है ना द फिगर इज अ ट्राइंगल इसको पहले लिखना है तो क्या लिखेंगे इफ अ फिगर इज अ ट्राइंगल देन देन के बाद फर्स्ट सेंटेंस आएगा देन के बाद आएगा द सम ऑफ मेजर्स ऑफ इट्स एंगल इज वन एटी डिग्री इन दिस वे देखिए आंसर लिखा है मैंने ये हो गया आपका कॉन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट देन सेकेंड वन देखिए सेकेंड वन स्टेटमेंट इज इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज नाइन्टी डिग्री ओके देन दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑर्डर इसका कॉनवर्स लिखना है ऑब्वियसली जैसे हमने फर्स्ट में किया वैसे ही करेंगे देन के बाद जो पार्ट है देन के बाद जो सेंटेंस है उसको पहले लिखना है मतलब क्या मिलेगा आपको यहाँ पे इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑर्डर if two angles are complement of each other then sum of their measures is 90 degree sum of their measures is 90 degree okay let's see if two angles are complement of each other let's see then sum of their measures is 90 degree in this way Converse of given statement. Second one complete. Then let's see third one. If the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent, then the two lines are parallel. Deekhe. If the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent, then द टू एंगल टू लाइन्स आर पैरल ओके दो ट्रांसवर्सल के वजह से दो लाइन पे अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म फॉर्म होते हैं और वो दोनों कॉन्गरट है देन जो दो लाइन्स है वो पैरल रहेगी करेक्ट मैम सो इसको हमें क्या करना है कॉन्वर्स लिखना है जो भी सेंटेंस गिवन है जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसका हमें कॉन्वर्स लिखना है यही हमारा टारगेट है अभी तो सो देन के बाद जो पार्ट है देखिए द टू लाइन्स आर पैरल ये पहले आ जाएगा सो so, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इफ टू लाइन्स आर पैरल पहले लिखेंगे इफ टू लाइन्स आर पैरल और देन के बाद देन के बाद लिखेंगे देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर कॉन्कर ओके लेट्स लिख देते हैं इफ टू लाइन्स आर पैरल Then the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent in this way. Okay. Third one complete. Then next one, fourth one. Let's see. If the sum of digits of a number is divisible by 3. Ha. डिजिट के सम करने के बाद अगर वो डिविजिबल बाय थ्री है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री ओके तो नंबर भी जो है जो भी नंबर है वो भी डिविजिबल बाय थ्री रहेगा लेकिन हमें क्या करना है कॉनवर्स लिखना है कॉनवर्स मतलब इफ इफ के बाद में जो सेंटेंस uh, है उसको देन के बाद लिखेंगे और देन देन के बाद जो सेंटेंस है द नंबर इज़ डिविजिबल बाय थ्री उसको पहले लिखेंगे सो so लेट्स सी लिख देते हैं क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे इफ अ नंबर इज अ डिविजल बाय थ्री ओके और देन के बाद लिखेंगे द सम ऑफ इट्स डिजिट इज ऑल्सो डिविजल बाय थ्री सोलेट से लिख देते हैं इफ अ नंबर इज डिविजल बाय थ्री देन सम ऑफ इट्स समिजिट इज ऑल्सो डिविजल बाय थ्री इन दिस वे फोर्थ वन कंप्लीट हो चुका है कॉन्वर्स ऑफ गिवन वन स्टेटमेंट्स

एंटीसीडेंट कौन सा है वो लिखना है और कॉन्सिक्वेंट कौन सा है वो लिखना है तय करना है ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है सो उसमें फर्स्ट देखिए लेट्स फर्स्ट स्टेटमेंट इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रा आर कॉन्गरेंट देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्गरेंट ओके इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रा आर कॉन्गरेंट देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्गरेंट ऑलरेडी जो स्टेटमेंट गिवन है कंडीशनल फॉर्म में है अगर कंडीशनल फॉर्म में गिवन नहीं है तो पहले उसको कंडीशनल फॉर्म में कंडीशनल स्टेटमेंट में लिखिए ठीक है ना देन उसके एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट लिखना है ठीक है सो आंसर कर लेते आंसर में लेट लेट सी सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं स्टेटमेंट एज इट इज लाइक दिस अब इन स्टेटमेंट देखिए जो फर्स्ट पार्ट है गिवन पार्ट क्या है ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्गरेंट ये गिवन रहेगा करेक्ट ना सो इसी को क्या बोलना है एंटीसीडेंट सो एंटीसीडेंट क्या लिखेंगे हम ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्गरंट ये एंटीसीडेंट रहेगा गिवन पार्ट है ये और देन के बाद का पार्ट क्या है मतलब वे हैव टू प्रूव जो पार्ट हमें प्रूव करना है वो देन के बाद आ जाएगा इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्गरेंट सो इसी को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट सो कॉन्सिक्वेंट क्या मिलेगा आपको जो हमें ट्रू प्रूव करना है ऑल एंगल्स आर कॉन्गर ये आपका कॉन्सिक्वेंट रहेगा सिंपल इतना ही लिखना था हो चुका है ये करना था गिवन स्टेटमेंट से एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट लिखना था ओके देन सेकेंड वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस नाइन्थ वन क्वेश्चन में से देखिए द डायगोनल्स ऑफ पैरलग्राम बाय सेक्ट इच ऑदर स्टेटमेंट की बने बट ये जो स्टेटमेंट है देखिए इन के फॉर्म में है क्या नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ईफ दिन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा करेक्ट ना सो कैसे लिखेंगे ईब दिन के फॉर्म में देखिए द डायगोनल्स ऑफ अ पैरलग्राम बाय सेक्ट इच ऑदर सो इसको हम लिख सकते हैं इबेन के फॉर्म में इफ अ कॉड्रेलैटरल इज अ पैरलोग्राम देखिए मैं कैसे रेड कर रहा हूँ

इफ और देन है करेक्ट मैम सो एंटीसीडेंट कौन सा रहेगा आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसको एंटीसीडेंट बोलेंगे सो so, क्या है एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट है कॉड्रिलेट्रल इज अ पार्लल ग्राम ओके सो लिखते हैं वही हमारा टारगेट है एंटीसीडेंट इट मीन्स गिवन पार्ट कॉड्रिलेट्रल इज अ पार्लल ग्राम ओके और कॉन्सिक्वेंट कौनसिक्वेंट रहेगा आपको देन के बाद का कबार्ट देखिये इट्स डायगोनल्स बायसेक्ट ई चौदह सो कॉन्सिक्वेंट है ये इट्स डायगोनल्स बायसेक्ट ई चौदह इन दिस वे एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट हो चुका है सो आपका नाइन्थ वन क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया देन लास्ट वन क्वेश्चन टेन नंबर लेट्स सी ड्रॉ अ लेवल फिगर

करेंगे तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सब क्वेश्चन फर्स्ट देखिए लेट्स सी स्टेटमेंट देखते टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर ओके ये गिवन है हमें सो so, सबसे पहले हमें अगर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट लिखना है तो हमें यहाँ पे कंडिशनल स्टेटमेंट होना जरूरी है तो इसको हमें कंडिशनल फॉर्म में लिखना पड़ेगा करेक्ट ना ये तो हमें गिवन है टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो इसका कंडीशनल फॉर्म क्या रहेगा देखिए इफ देन के फॉर्म में लिखना है तो हम इफ देन के फॉर्म में लिख सकते हैं इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल देन दे आर सिमिलर ओके कैसे लिखेंगे इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल देन दे आर सिमिलर इन दिस वे अब देखिए इफ देन मिल चुका है मतलब दो पार्ट है यहाँ पे गिवन पार्ट और टू तो प्रू पार्ट तो हम एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट लिख सकते हैं फ्रॉम दिस स्टेटमेंट देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है एंटीसीडेंट रहेगा टू ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल और कॉन्सिक्वेंट रहेगा दे आर सिमिलर या आप बोल सकते हो दे मतलब ट्राइंगल्स आर सिमिलर इन दिस वे ओके तो हमें यहाँ पे क्या करना है दो ट्राइंगल्स इक्विलेटरल है तो हमें यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रैंगल ड्रॉ करनी पड़ेंगी और वो सिमिलर है ऐसे करके दिखाना पड़ेगा ओके okay? इक्वलैटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है उसके तीनों साइड्स सेम होती है कॉन्गोरेंट होती है ओके okay? उसी को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं सो so, लिखते हैं हमें एंटीसीडेंट लिखना है कॉन्सिक्वेंट लिखना है और ट्रायंगल्स भी ड्रा करनी है तो एंटीसीडेंट क्या है टू ट्रायंगल्स आर इक्वेलैटर लिख देते हो टू ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ये है आपका एंटीसीडेंट पार्ट गिवन पार्ट अब देखिए टू ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ये हमें गिवन है सो so, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दो ट्राइंगल्स लिखते हैं मान लीजिए दो ट्राइंगल्स अपने ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वलैट्रल ट्राइंगल्स ओके okay? और यही दो ट्राइंगल्स हमें ड्रा करने हैं और अकॉर्डिंग टू कंडीशनल स्टेटमेंट कॉन्सिक्वेंट क्या है कॉन्सिक्वेंट है ट्राइंगल्स आर सिमिलर ये जो दो ट्राइंगल्स है सिमिलर है इट मीन्स हम लिख सकते हैं उनको ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर इन दिस वे सो इनको अभी ड्रा कर लेते हैं सो लेट्स इट ट्राइंगल ए बी सी ओके और इसमें देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी है हर एक की लेंथ सेम है जो भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल है पी क्यू आर सो सोलेट सी ट्रायंगल पी क्यू आर और इसमें देखिए पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर ऑल थ्री साइड्स आर इक्विलेटरल इक्वल ओके अगर दोनों सेम है तो ऑबिसलिए सिमिलर ट्रायंगल सेम करेक्ट ना इन दिस वे फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टेंथ वन कंप्लीट हो चुका है ठीक है ये तय करना था ठीक है क्वेश्चन में क्या बोला है ड्रॉ लेबल फिगर तो हमने फिगर ड्रॉ की है और एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट लिखने के लिए बोला था तो वो भी लिखा है लेकिन उससे पहले सबसे पहले जरूरी है गिवन जो स्टेटमेंट है वो अगर कंडीशनल नहीं है तो उसको हमें कंडीशनल फॉर्म में लिखना है ओके इन दिस वे कंप्लीट हो चुका और भी दो क्वेश्चन है इसमें वो आप ट्राई कर लीजिए ठीक है ऐसे करना है ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं ओके थैंक यू